जैसा कि फर्स्ट पार्ट आप लोग देख ही चुके हैं, जिसमें मैंने बताया था कि क्रिश्चियन कम्युनिटी पर किस तरह से ये लोग हमला बोल रहे हैं और धर्म परिवर्तन कन्वर्जन के नाम पर उनको निशाना बनाया जा रहा है, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं है। चूंकि इन लोगों ने प्रण लिया था कि 2021 तक 22 तक जो है मुसलमान और क्रिश्चियन कम्युनिटी को यहाँ से भारत से खत्म करके हिंदू राष्ट्र बनाना है, तो ये उस पर अमल कर रहे हैं। और देखा जाए तो किसी की कोई भी गलती नहीं है, ये सिर्फ निशाना लोगों को बना बनाकर, मुसलमान और क्रिश्चियन खासकर निशाना बना बना कर जो है परेशान और तंग कर रहे हैं और खुद अपने धर्म को ही बदनाम कर रहे हैं। तो जैसे कि मैंने अपने पार्ट वन वीडियो में ये आप लोगों को बताया था कि किस तरह छत्तीसगढ़ में एक चर्च में इन लोगों ने बहुसंख्यक समाज के जो सो कॉल्ड रक्षक हैं, किस तरह से जाकर उन लोगों ने तोड़ फोड़ मचाई और चर्च को, गिरजाघर को किस तरह से जो है वैंडलाइज किया। वहां चर्च के लोगों को बुरी तरह से मारपीट की, उनको बुरी तरह से गाली गलौज किया। वहां पे जो ईसा मसीह और हजरत मरियम की जो मूर्तियां रखी थी उसको तोड़ी गई, और वो और क्या बोलूं, वहां पे जो लोग तैनात थे, जो आर्मी वाले थे, मिलिट्री के थे, जो पुलिसकर्मी थे, जो वहां पे हिफाजती इकदामात के लिए वहां पे रखे गए थे, उन तक को नहीं छोड़ा इन जो है पत्थरबाजों ने। ऐसा ऐसे पत्थर चलाए, ऐसे पत्थरबाजी की कि वहां के एसपी जो थे सदानंद, जो कि खुद इनके ही धर्म के थे, उनके सर पर छोटे भी आए, जो कि आप पहली पार्ट वाली वीडियो में देख चुके हैं, और मैं उस वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जरूर दे दूंगी, तो आप फर्स्ट वीडियो भी मेरा जरूर देखें। और चलिए फिर नेक्स्ट जो है आगे बढ़ते हैं, वीडियो शुरू करते हैं। तो मैं शाजिया नज़ार और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल शाजिया नज़ार ऑफिशियल। तो आइए आगे बढ़ते हैं क्रिश्चियन कम्युनिटी की तरफ, जो उन पर अत्याचार हो रहे हैं। 3-4 नमूने आपको और भी दिखाने थे, और देखेंगे तो सच में आपका दिल दहल जाएगा कि ये है आज के हमारे न्यू इंडिया का न्यू ट्रेंड। अपने धर्म को ऊपर करने के लिए, ऊंचा दिखाने के लिए किस हद तक लोग गिर चुके हैं, किस हद तक जा सकते हैं। आज ये न्यू इंडिया का ये खुला नजारा नफरत का, और खुला बाजार जो नफरत का गर्म है, तमाशे देखिए। तो चलिए वीडियो की तरफ बढ़ते हैं। कि लगे कि आप तो आएंगे कई घर सत में, यहाँ पे सिर्फ हमारा मकान थोड़ी है। तो बहुसंख्यक सो कॉल्ड धर्म के रखवालों को ये लगता है कि वो दूसरों के धर्म को इस तरह से निस्तो नाबूद करेंगे और इस तरह से मारपीट करेंगे, तोड़ताड़ करेंगे, तो वो अपने धर्म को जो है बचा रहे हैं, रक्षा कर रहे हैं। आपकी सोच बिल्कुल गलत है। आप लोग खुद अपने धर्म को बदनाम कर रहे हैं, और इसके जिम्मेदार खुद आप लोग हैं। इसके जिम्मेदार वो लोग भी हैं जो इस बहुसंख्यक समाज में इन गलत चीजों को देख रहे हैं, लेकिन चुप्पी साधे हुए हैं। आपको चाहिए कि आप अपने, ये धर्म आपका भी है, तो आपको चाहिए ये जो नफरत फैलाने वाले लोग कर रहे हैं, इनका प्रोटेस्ट करना और अपने धर्म की रक्षा करना। वो असल धर्म की रक्षा है। ये लोग जो कर रहे हैं तोड़ताड़ दूसरे के धर्म को अपमानित करके, ये धर्म की रक्षा नहीं है। ये अपने धर्म की रक्षा नहीं कर रहे, ये अपने धर्म को खुद बदनाम कर रहे हैं। तो आप लोग जो चुप बैठे हुए हैं, सनातन धर्म के लोग, आपको उठकर इन जैसे नफरती लोगों के लिए बोलना चाहिए, और अपने आप खुद अपने धर्म को बचाइए। सच में मुझे लगता है कि सच में जो है सनातन धर्म खतरे में है इन जैसे, समझ रहे हैं ना। सनातन धर्म जो कि एक बहुत ही खूबसूरत धर्म है, क्या वो धर्म आपको ये सिखाता है कि किसी दूसरे के धर्म को अपमान करके अपने धर्म की रक्षा करो? नहीं, बिल्कुल नहीं सिखाता। बल्कि कोई भी धर्म किसी भी दूसरे धर्म को अपमानित करना नहीं सिखाता। आपका धर्म आप खुद फॉलो कीजिए, दूसरे का धर्म वो फॉलो करेंगे। आप किसी को, किसी के धर्म को फॉलो करने से रोक नहीं सकते, बात समझ आ रही है। और अपने मजहब का, अपने धर्म का प्रचार करने का सबको राइट है, सबको अधिकार है, बात समझ आई। यहाँ पर लोग गले पे जो है छुरिया रखकर या पूरी भीड़ लगाकर धमकियां देकर धर्म का प्रचार नहीं करते, बोलते हैं, अपनी बात सामने रखते हैं, लोगों को अच्छी लगती है तो वो धर्म को अपनाते हैं, जिन उनकी बातों को पसंद करके। जैसे कि इस्लाम की, जैसे क्रिश्चियन लोग अपना रहे हैं, कुछ लोग तो हिंदू धर्म भी अपना रहे हैं, मुसलमान से हिंदू भी हो रहे हैं। बहुत सारे लोग जो हैं वो एक्स मुस्लिम सुना ही होगा, बहुत चर्चे में एक्स मुस्लिम। मुझे तो कितने सारे कमेंट में एक्स मुस्लिम देखो मैडम, एक्स मुस्लिम देखो। तो हम लोग भी ये बोले कि आप लोगों ने धर्म परिवर्तन किया है और आपके घरों में जो है इस तरह से तोड़ताड़ मचाई जाए, सही है ये? तो हम लोग वो नहीं करते, समझते हैं कि जिसका जिसमें जो है रोजान है, जिसकी उसकी अपनी चॉइस है, धर्म और मजहब अपनी चॉइस है, हम जिसको चाहें वो हम उसको अपना सकते हैं। आप खुद ही कौन है जनाब जबरदस्ती करने वाले किसी के साथ? ये तो एक न्यूज आपको सुनाया, अब दूसरी न्यूज सुनिए, वो भी क्रिश्चियन कम्युनिटी की ही है। क्रिश्चियन के कम्युनिटी के पूरे कस्बे को घेर कर
उनके घरों पर पथराव किया गया बहुत बुरी तरह से। और ये मामला जो है ये रामनगर डिस्ट्रिक्ट के कर्मा नारायणपुर के इलाके की है और इस कारनामे को अंजाम देने वाले हैं महंतो और ठाकुर समाज के लोग, बहुसंख्यक लोग। वो लोग सुनार मोहल्ले में आकर सबके सामने खुल्लम खुल्ला यानी एकदम निडरता से सबके सामने आकर उस मोहल्ले में उस घरों में पथराव करते हैं बुरी तरह से और इस पथराव में एक शख्स का सर भी फट जाता है। जी वीडियो आपके स्क्रीन पर चल ही रही है तो आप देख ही सकते हैं और इसको मैं साउंड के साथ या ज्यादा नहीं दिखा सकती क्योंकि जो है इसमें आप देख ही रहे किस तरह से दरिंदगी हो रही है और YouTube के कम्युनिटी गाइडलाइन के हिसाब से मैं नहीं दिखा सकती तो बस थोड़ी सी ही आपको क्लिप दिखा रही हूँ, बस इससे आप समझ जाइए कि ये हो रहा है। YouTube इजाजत नहीं देता जिसकी वजह से मैं क्लियर वीडियो आपको नहीं दिखा पा रही। अब आपको बता दूं कि भारत में जो है पहले मुसलमानों और फिर ईसाइयों पर हमला हो रहा है तो इसके पीछे का रीजन क्या है, क्योंकि कुछ लोगों ने जो है प्रण लिया था यानी कि उनका मिशन था कि भारत में मुसलमान और क्रिश्चियन कम्युनिटी को 2021 तक खत्म कर देंगे। वीडियो देखिए। अब RSS की धर्म जागरण समिति ने ऐलान किया है कि 2021 तक भारत से इस्लाम और ईसाइयत को खत्म कर इस देश को हिंदू राष्ट्र बना देंगे। ये ऐलान धर्म जागरण समिति के यूपी क्षेत्र प्रमुख राजेश्वर सिंह ने किया। 21 इज द लास्ट डेट फॉर क्रिश्चियन एंड इस्लाम इन दिस कंट्री यानी तय किया है। 31 दिसंबर 2021 से पहले हम भारत में इस्लाम और ईसाइयत को खत्म करेंगे, हमारा संकल्प है, मेरा संकल्प। एक बात याद रखिए, अगर लोग बटेंगे मुल्क भी बटेगा, ठीक है? तो मुल्क हमें बिल्कुल नहीं बांटना है, हमें सब लोगों को, सब धर्म के लोगों को एक साथ मिलकर लेकर चलना है। अगर कोई सही है और किसी पर जुल्म हो रहा है तो उसके लिए आवाज उठाइए, उनका धर्म मत देखिए कि उनका धर्म क्या है, इंसानियत को सामने रखकर जो है उनके लिए उनके साथ आवाज उठाइए। और अब जो न्यू इंडिया है ना, इसमें हर एक को हर एक के साथ मजबूती से खड़े होना होगा, वरना ये जो नफरती लोग है ना अपना खेल खेल जाएंगे और देश को पूरी तरह से तबाह व बर्बाद करके निकल जाएंगे और आप कुछ नहीं कर पाएंगे, सिर्फ तमाशा देखते रह जाएंगे और जुल्म सहते रह जाएंगे। हमेशा से कहती आ रही हूँ कि यूनिटी में ही ताकत है, जब तक मुट्ठी बंद है तब तक ये ताकत है, लेकिन मुट्ठी खुलने के बाद जो है ना ये पांच उंगलियां अलग अलग हो जाती है और वो ताकत नहीं रहती। तो ये बंद मुट्ठी की तरह बनिए, हर मजहब हर धर्म के लोग, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, एक मुट्ठी की तरह एक ताकत बनिए ताकि हमें जो है ये नफरती लोग तोड़ ना पाए, हम पर इस तरह से जुल्म ना कर पाए। एक मुट्ठी बनिए, एक ताकत बनिए और इस ताकत में बहुत ज्यादा जो है ताकत है, समझ रहे हैं जी। बस वीडियो यहीं खत्म कर रही हूँ, वीडियो ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा क्योंकि जो है बताया ना लगेगी आग तो आएंगे कई घर सब में, यहाँ पे सिर्फ हमारा मकान थोड़ी है तो सबको अब आंख खोलने की जरूरत है, सभी लोगों की, ठीक है? तो वीडियो शेयर करके आंखें खोलिए कि बारी जो है ना वो सबकी आने वाली है, कोई नहीं बचने वाला, ठीक? तो नफरत छोड़िए, एक दूसरे का साथ दीजिए, आगे बढ़िए, हमारे देश की भी तरक्की है और इसमें हमारी भी भलाई है, हमारे आने वाले बच्चों का फ्यूचर भी वो सेफ है, ठीक? वीडियो यहीं खत्म कर रही हूँ, वीडियो ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा, पसंद आए मेरी वीडियो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। तब तक टेक गुड केयर ऑफ योरसेल्फ और हाँ दुआओं में मुझे जरूर याद रखिए क्योंकि मुझे दुआओं की बहुत जरूरत है आप लोगों की। टेक गुड केयर ऑफ योरसेल्फ, जय हिंद, अल्लाह हाफिज़।